हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी अनबॉक्सिंग। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक और नई टॉय कार की, जिसका नाम है एम्फीबियन कार, जो कि फ्लिपकार्ट से परचेज़ की थी। अगर आपको भी ये कार परचेज़ करनी है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और प्राइस के बारे में भी जानना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की आउटर बॉक्स में कार रिसीव हुई है, इसके साथ ही एक ये फ्लिपकार्ट की तरफ से मिस चीफ का ग्रीटिंग कार्ड मिला है। तो ये कुछ इस कार का आउटर बॉक्स रहेगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है एम्फीबियन स्टंट 2-in-1, 2.4 GHz रिमोट कंट्रोल के साथ आती है, 6+H। इसके साथ ही आउटर बॉक्स के ऊपर कुछ इसकी वार्निंग्स लिख रखी हैं, इसके साथ चार्जिंग इक्विपमेंट एंड बैटरी दे रखी है। इसके अंदर शो कर रखे हैं, यहाँ पे तीन कलर वेरियंट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं। सिल्वर और ब्लैक का कम्बिनेशन है, रेड और ब्लैक, एंड थर्ड इज ग्रीन एंड ब्लैक कम्बिनेशन। तो चलिए इस खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसके अंदर। सबसे पहले कि यूजर मैनुअल मिलता है, जिसके ऊपर शो कर रखा है क्या कुछ इसको आप ऑपरेट कर सकते हो, कितनी बैटरी डलेंगी इसमें। एक बैटरी दे रखी है, वो इसके साथ ही आएगी, जो कि कार में डलेगी। रिमोट के लिए दो बैटरीज आपको खुद से परचेज करनी होगी। यह है इसका मैनुअल, और इसके साथ ही कुछ इस प्रकार के बॉक्स मिलती है कार। पीछे की तरफ इसका रिमोट दिया गया है, तो करते हैं इसको ओपन। और ये है आपकी रिमोट कार, एम्फीबियन रिमोट कार 2-in-1। पानी में भी चल सकेगी और धरती पर भी चलती है एम्फीबियन कार। कुछ इस प्रकार से इसका आउटर लुक है। पीछे की तरफ इसमें दो होल्स दिए गए हैं, दो बटन दिए गए हैं, जो पानी में चलाने के बाद इसको खोलकर इनसे आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ बटन दिया गया है ऊपर की तरफ। काफ़ी मोटे और काफ़ी बड़े बड़े टायर दिए गए हैं, जिनके ऊपर रबड़ की ग्रिप चढ़ाई गई है। और आगे से कुछ इस प्रकार से दिखता है इस कार का लुक। सिल्वर और ब्लैक कम्बिनेशन है आगे, और ऊपर से रेड का कम्बिनेशन दिया गया है। टायर्स के ऊपर रेड कलर की ग्रिप दी गई है। पीछे की तरफ ये दो होल्स हैं, जिनसे आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं जब इसको आप पानी में चला के लाएं। और ये दिए गए हैं इसके अंदर दो होल्स, जहाँ पे डलेगी इसकी बैटरी। इसके साथ ही मिलता है कि रिमोट, जिसके अंदर दो बटन हैं, और दो बटन इसके ऊपर की तरफ दिए गए हैं। इसके साथ मिलती है एक चार्जिंग केबल, USB अडैप्टर से कनेक्ट करके आप इस बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और ये मिलती है इस कार की बैटरी, जो कि इस कार में इंसर्ट करनी होगी। और इसके साथ ही मिलता है इस बॉक्स के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर, जिसकी हेल्प से आप इस कार को खोल सकते हैं इसके दोनों पेज, और उसके बाद इसमें लगा सकते हैं बैटरी। तो चलिए खोलते हैं पहले इसके बैटरी कवर को। काफ़ी अच्छा लुक दिखाई देता है इस कार का। तो ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, जिसके अंदर ये बैटरी लगेगी। ये सॉकेट दिया गया है, इसको आप डायरेक्टली इसके अंदर प्लग इन कीजिए, और इसके बाद इस बैटरी को इसमें वापस रख दीजिए। और इधर रबर ग्रिप दी गई है, ताकि कार को वाटरप्रूफ बनाया जा सके, इसके अंदर पानी ना जाए। एक रबर ग्रिप दी गई है यहाँ पे इसके ढक्कन पर, तो इसको कर देते हैं वापस से बंद। बैटरी चार्ज करने के लिए हर बार आपको इसका कंपार्टमेंट को ऐसे ओपन करना होगा, और इसके बाद इस बैटरी को चार्ज कर सको। अब बैटरी डलते ही इस कार के अंदर एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने लग गई है कुछ ऐसे, मतलब ये कार स्विच ऑन हो चुकी है। इससे ही इस कार को बंद किया जा सकता है, और इसी स्विच से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच है इसका। काफ़ी अच्छा रिमोट दिया गया है, और काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। प्लास्टिक है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है इसमें। पीछे एक वार्निंग दे रखी है, अटेंशन द रिमोट इज नॉट वाटर प्रूफ। गाड़ी वाटर प्रूफ है, लेकिन रिमोट वाटर प्रूफ नहीं है, इसको पानी से बचा के रखना होगा। गाड़ी को आप पानी में और धरती पर दोनों जगह चला सकते हो। इसके टायर काफ़ी यूनिक दिए गए हैं, शायद इसीलिए हैं ताकि ये पानी में भी तैर सकें।
तो जब आप इसके राइट बटन को दबाओगे तो राइट साइड के जो व्हील्स हैं वो रोटेट होंगे फॉरवर्ड, और पीछे की तरफ दबाओगे तो व्हील्स बैकवर्ड रोटेट होते हैं। अब लेफ्ट बटन को आगे की तरफ करेंगे तो इसके व्हील्स हैं वो फॉरवर्ड और पीछे की तरफ करने पर बैकवर्ड रोटेट होते हैं इस गाड़ी के व्हील्स। ये है इसका डेमो बटन, इसको दबाने पर ये गाड़ी अपने आप डेमो करेगी। 360 डिग्री रोटेटिंग है। करते हैं इसकी टेस्टिंग। दोनों बटन्स को एक साथ दबाने पर गाड़ी आगे जाएगी और काफी तेज स्पीड है इस कार की। एक बटन आगे और एक पीछे करोगे तो रोटेट करना शुरू कर देंगे, और अगर इसको अब अपोजिट साइड में करेंगे तो कुछ इस प्रकार रोटेट करेंगे। इसके साथ ही अगर खाली इस लेफ्ट व्हील को आप प्रेस करके आगे की तरफ तो गाड़ी को किस तरह से फ्लिप करेंगे एक इस कार, और इसी तरह से जब इस बटन को आगे की तरफ रोटेट करते हैं तो गाड़ी को किस प्रकार से फ्लिप होती है और पीछे की तरफ करने पर कुछ इस प्रकार से, काफ़ी तेज स्पीड है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं बाहर जाकर, पानी के अंदर भी और ज़मीन के ऊपर भी, कैसे इसकी स्पीड है और कितनी इसकी स्पीड और कैसे चलती है। अगर आपको भी ये गाड़ी बाई करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... See the horizon.